आचार्य श्री 108 विनम सागर जी महाराज मुनि संघ जयपुर हाउस के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है। शनिवार को आचार्य श्री ने भक्त जनों को प्रवचनों के माध्यम से मे जीवन में गुरु महत्व क्या है इसकी जानकारी दी। आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज मुनि संघ जयपुर हाउस के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान है। शनिवार को आचार्य श्री ने भक्त जनों को प्रवचनों के माध्यम से मे जीवन में गुरु महत्व क्या है इसके बारे में जानकारी दी। कान दो आपकी किस्मत से हुआ है, इसलिए कार्य करने में हम ही पुरुषार्थ रहते, हमसे ही कार्य होता है, पर निमित्त कोई ना कोई जरूर बन जाता है। और कभी काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं तुम्हें देख लिया इसलिए काम बिगड़ गया, या तुम आ गए इसलिए बिगड़ गया, ऐसा कहने लगते हैं। जबकि ये उचित नहीं है। उचित ये है कि कार्य तो मेरी किस्मत से और मेरे पुरुषार्थ से सफल होता है। आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने धर्म सभा में प्रवचनों द्वारा बताया कि जो साधु मुनि अंतरंग में गमन करते हैं वह आपको प्रतिदिन देखते हैं, जिससे श्रावक का जीवन सुखमय होता है। अंतर्गतो जो अंतरंग में गमन करते हैं, जो साधु योगी अंतरंग में गमन करते हैं, बहिरंग में नहीं, बाहर के कार्यों में नहीं, अंतरंग के स्वभाव में जो गमन करते हैं, निरीक्षणीय वे ही आपको देख पाते हैं। अंतरंग में बैठे बहिरंग में नहीं बाहर गए। हाँ, मंदिर बहुत बढ़िया है, बढ़िया वेदी है और खूब सोना लगो है, देखे बार बार भीतर कुछ देखा कि नहीं। आचार्य श्री ने बताया कि एक आंख वाला व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं प्राप्त करता, दो आंखों वाले व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करते हैं। आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए शहर भर से दिगंबर जैन समाज के लोग जयपुर हाउस के जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।